एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहली बार इस चैनल पे खाने की चीजें भी रिव्यू करने वाले हैं। गलत मत समझना, ये दिखने में तो खाने की चीजें लगने वाली है लेकिन ये एक्चुअल में है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट द इंटरनेट यार, मतलब देख के तुम कोई चीज पता नहीं लगा सकते कि अच्छा ये यही चीज है निकलती वो कुछ और है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमें पता है कि मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, तो मेरे पास है उसका ऑल्टरनेटिव, ये टमाटर जिसको तुम खा नहीं सकते लेकिन हमने फेस पे लगा सकते। इसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल लाल टमाटर, ऊपर पत्ती भी आई है, लेकिन ये 935 रुपीस का पड़ा है यार, उससे भी ज्यादा महंगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या सजेस्ट कर रही हूँ। ये हमारा सस्ता साउंड इफेक्ट है, थैंक यू मन्नी। ये है टोमेटोक्स और ये बिल्कुल स्क्वायर लाल पैकेजिंग में आया है एंड ऊपर बहुत ही प्यारी ग्रीन लीफ है। ये बिल्कुल लाइक हल्का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसा मटेरियल है इसका, पूरे इसी बात के पैसे ले रखे हैं इन्होंने। आओ इसे खोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्विस्ट करके खुल गया है, टमाटर के अंदर टमाटर। ये कितना प्यारा है, ऐसा नकली सा है, तो ये नकली। दिस इज सो शाइनी, बिल्कुल प्रॉपर रियल टमाटर लग रहा है। ओह इट हर्ट्स। इस तरीके से ट्विस्ट होके खुल रहा है आराम से। ये एक्चुअल में है एक फेस मास्क एंड इसके अंदर प्यारी लिटिल टाइनी सी ऐसे स्पून स्पैचुला भी आया जिससे हम मस्त फेस मास्क लगाएंगे और लाल टमाटर बन जाएंगे। वाह, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे मेल्टेड आइसक्रीम लग रही है, मन कर रहा है खाने का बट वी कैन डू दैट। इसका टेक्सचर मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये एक ही स्कूप जो मैंने लिया ना, ये पूरा इतना सारा लग रहा है और ये आराम से स्प्रेड भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ओए तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रोडक्ट यू नो वेस्ट हो जाएगा। तुमने अगर 935 रुपीस भी लगाए हैं, ये आराम से एक ही स्कूप पूरे फेस पे लग रहा है तो बहुत चल सकता है ये, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसकी पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ है कि इसमें एक्चुअल टोमेटो वाटर और टोमेटो एक्सट्रैक्ट पाए गए हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात हो गई है। एंड मेरा फेस है बिल्कुल तैयार, मास्क पूरा लग चुका है, आई एम सो हैप्पी। एक स्कूप एंड पूरा फेस डन हो गया। मेरे को इसे 10 मिनट रखना है, इसे सुखाना है एंड देन विल सी द डिफरेंस। इसको वॉश ऑफ करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था यार, मतलब वो इतना थिक हो गया था मास्क सूखने के बाद, वो और क्रीमी हो गया था, लाइक उसमें जब वाटर हुआ था एक्टिवेट हो गया था वो काइंड ऑफ, तो बहुत ही ऐसे अभी भी क्रीमी क्रीमी लग रहा है। सी अभी भी मेरे फेस पे लगा हुआ है, इट्स हार्ड टू रिमूव इट बट मेरे को बहुत ही ऐसे स्मूद एंड यू नो हाइड्रेटेड सा फील हो रहा है। यूजुअली मेरी स्किन थोड़ी ड्राई रहती है बट काफ़ी अच्छा क्रीमी जो टेक्सचर था ना, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है मेरे को। मूविंग ऑन, मैंने ये कैंडी मंगवाई है जो कि मेरे को पहली बार 690 रुपीज़ की पड़ी है, बहुत ही महंगी कैंडी है बट हाँ हम इसे खा नहीं सकते। आज हम मेरी प्यारी कैंडी, ये बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है बार्बी डॉल का कोई टॉय है बट ये कैंडी है एक ब्लश। यस, इसको ऊपर से ऐसे ट्विस्ट करना है एंड ये खुल जाएगा। दिस इज सो क्यूट, नेवर एक्सपेक्ट। ओह इसकी खुशबू कितनी ज्यादा मस्त है, ये खुलते इट्स लाइक वेरी कैंडी टाइप। मैंने शेड मंगवाया है मॉफ पॉपिन एंड देखते कि ये कितना ही पॉप करेगा। दिस इज सो क्रीमी, मेरे को लग रहा है इतने में मेरा पूरा ब्लश हो जाएगा। ये महंगे है प्रोडक्ट बट एक ही ड्रॉप में सब आराम से यू नो यूज हो रहा है तो ये बहुत चले। देखना मेरे को यहाँ लगाना भी नहीं चाहिए था, मैं यही यहाँ पे भी कर लेती। दिस इज टू पिगमेंटेड, ओके दिस इज अ लॉट ऑफ ब्लश, ओ माय गॉड। बट वी गेट द आइडिया कि ये कितना ही ज्यादा पिगमेंटेड है, ये छोटी चीज बड़ा धमाका निकली है। वैसे अगर ये इतना पिगमेंटेड है ही तो मुझे लग रहा है कि ऐसा लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी इसका ब्रश वैसा ही एप्लीकेटर दे रखा है, इतने आराम से लग रही है, इतनी अच्छी फ्रेश फ्रूटी सी यू नो खुशबू आ रही है, आई लव इट। तो अभी और इंटरेस्टिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स ट्राई करने से पहले, टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय लक्स एंड दे हैव सेंट मी देयर न्यू रेंज ऑफ बॉडी वॉश टू ट्राई फॉर यू गाइस। अब तुम्हें पता ही है दैट आई यूज बॉडी वॉशेस बट वी हैव नेवर रियली स्पोकन अबाउट व्हाई, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम ऑफ माय फ्रेंड्स यूज सोप बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दोस बोरिंग सोप बार्स आर सो आउटडेटेड यार। देयर मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस लास्ट फॉर व्हाट लाइक अ डे और टू, मैक्स टू मैक्स अ वीक इफ इट्स टू स्ट्रॉन्ग, बट दिस लक्स बॉडी वॉश विद ब्लैक ऑर्किड सेंट एंड जुनिपर ऑयल्स गिव्स मी मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस ऑल थ्रू द मंथ एंड 12 आवर्स अ डे, बहुत होता है यार। अब इमेजिन करो जस्ट अ टाइनी कॉइन साइज ड्रॉप ऑफ दिस बॉडी वॉश गिव्स यू इनफ लग्जूरियस लैदर टू क्लेंस योर एंटायर बॉडी, नॉट लाइक सोप जो क्लेंस तो करता है बट इज जस्ट सो इनकन्वीनियंट, एंड दिस वन बॉटल विल लास्ट यू द एंटायर मंथ, सो नो मोर शावर फ्रस्ट्रेशन और ब्रेकिंग द बैंक और थिंकिंग कि यार सोप में पैसे बच जाते। सुपर अफोर्डेबल है ये लक्स बॉडी वॉश, 245 ml फॉर जस्ट ₹99। यार दे शुड लॉन्च अ परफ्यूम टू। वेट वेट वेट, वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन कि गलती से अगर किसी के हाथ सोप लग जाए तो यू, बट बॉडी वॉश फ्रेश न्यू एंड ब्यूटिफुल एवरी टाइम। तो जाओ अपने आप को पैम्पर करो फैबुलस
करो और अपने इनर लग्जूरियस सेल्फ को अनलीश करो विद लक्स बॉडी वॉश. ऑर्डर फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. यार इतना बोलने के बाद भी प्यास लग रही है, आओ थोड़ी सी फैंटा पीते हैं. ये कितना प्यारा फैंटा का लिप स्मैकर है, दिस इज सो क्यूट. हियर वी आर, वर्स्ट अनपैकिंग एवर. लिटरली मेरी फिंगर लेंथ जितना है ये पूरा प्रोडक्ट, और ये बहुत ही हल्का है, जस्ट लुक एट इट. तो हमें मिला है फैंटा लिप स्मैकर, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के ऐसे क्यूब्स बने हुए, एंड वी हैव अ टाइनी लिटिल स्ट्रॉ. इसे खोलते कैसे हैं, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट. ये रही इसके अंदर की स्ट्रॉबेरी लिप बाम. सच अ कूल कॉन्सेप्ट. लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत ज़्यादा बनने वाली हूँ, मैंने निकालनी है ये हर दो दो सेकेंड बाद अपने बैग में से, और आई वी लाइक द कूलेस्ट पर्सन इन द रूम. इसकी खुशबू हल्की सी वैक्स क्रेयॉन केमिकली, एंड देन लास्ट में स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है. मैंने बहुत ज़्यादा लगा ली है लिप बाम, ये मेरी थर्ड लेयर है, एंड स्टिल नो कलर. ओके 5 मिनट्स इंटू इट मैंने इसे पूरा टाइम दिया, एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि ये जस्ट नॉर्मल लिप बाम है. जैसे वैसलीन नहीं लगा लेते, ट्रांसपेरेंट सा टेक्स्चर देती है, सेम वैसी ही मेरे को इफेक्ट दे रही है. सिर्फ इसकी पैकेजिंग क्यूट है, एंड इसी बात के सारे पैसे हैं, एंड आई एम ओके विद इट. क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा था, मैं बहुत ही बनने वाली हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें होल करके ऐसा कीचेन ना बना लूं. दिस इज सच अ नाइस थिंग यार. नेक्स्ट है हमारे पास ये, एंड जैसा कि तुम्हें पैकेजिंग पे दिख रहा है, यस इसके अंदर है सो क्यूट, एंड बहुत ही बड़ा सा एग है ये, एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है. ये 1050 रुपीज़ का एक अंडा है, बहुत ही बड़ा सा. अगेन ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड इसको ऐसे खोलना है हमें ट्विस्ट करके. ये रहा उसका येलो पार्ट भी दे रखा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सोच समझ के पैकेजिंग दे रखी है. तो ये रहा इसका ऊपर का पार्ट, एंड ये रहा नीचे का पार्ट. तो जो ये इतना बड़ा ऊपर जो इसका हेड है, दिस इज़ अ वेस्ट. ये कुछ भी नहीं है, ये खाली है. तो ये जो इतना टाइनी सा चीज़ निकला है ना नीचे का पार्ट, बॉटम थिंग, इसमें है मेन प्रोडक्ट. वाह, ओही इतना जेली जैसा टेक्सचर है इसका. तो ये है एक ब्लैक हेड स्टीम बाम. मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, बट आई हैव नेवर अप्लाइड इट और आई हैव नेवर यूज्ड इट, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्राइसी है ये. तो इसको हमें अपने ब्लैक हेड एरिया में लगाना है, मैं अपने नोज पे लगा रही हूँ. इसमें ऐसे ये बहुत ही टिंगलिंग सा इफेक्ट दे रहा है लगाते ही, लाइक 2 सेकंड भी नहीं हुए, एंड मुझे लग रहा है इसने अपना कमाल करना शुरू कर दिया है. तो इसे अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे लगा के 3 to 5 मिनट हमें मसाज करते रहना है, हमें रुकना नहीं है. आई गेस तभी इसका नाम स्टीम बाम है. हमें इसे एक्टिवेट करना है, हीटअप करना है, इसे ऐसे मसाज करके. ये बिल्कुल ऐसे साबुन लग रहा है, अब ये वाइट हो गया, इसका फोमी टेक्सचर आ गया है. ये 2 मिनट्स इंटू इट जो इसके अंदर के बीट्स थे वो सॉफ्ट हो गए हैं, या फिर आई डोंट नो वो मेल्ट हो गए या बर्स्ट हो गए, अब बिल्कुल ही स्मूथ सा टेक्सचर आ रहा है. पहले वो ग्रेनी ग्रेनी इफेक्ट आ रहा था, बट अब वो नहीं आ रहा है. आई थिंक इट्स टाइम टू वॉश दिस ऑफ नाउ. ओके मैं अभी आती हूँ. आई सीरियसली कैन नॉट बिलीव मेरे ब्लैक हेड्स एक्चुअली मैं रिमूव हो गया. सी मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, क्योंकि जब मैंने वो वॉश ऑफ किया मेरे को हाथ में कोई ऐसे ब्लैक हेड विजिबली नहीं दिख रहा था, बट आई हैव नो क्लू. बहुत ही स्मूथ हो गया, जैसे बम्पी बम्पी नहीं हो जाता बिकॉज ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो चला गया. इट्स सो स्मूथ नाउ. आई हैव नो आइडिया हाउ दिस बिग अंडा वर्कड ऑन माय नोज, बट इट वर्कड, एंड बिल्कुल इसकी तरह प्लेन सॉफ्ट सी लग रही है मेरे को अपनी नोज. आई एम सो हैप्पी. अगेन इसका मैंने कोई रिव्यू पढ़ के नहीं मंगवाया था, बट मैं अभी पढ़ रही हूँ तो लिखा हुआ है यार, द बाम इज रियली गुड टू रिमूव व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स दोनों. यार गर्मियों में आइसक्रीम खाने का किसका मन नहीं करता, और मैंने भी एक आइसक्रीम वाला प्रोडक्ट मंगवाया है. ओके टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट इंप्रेशंस जो मेरे को इंटरनेट पे दिखा था, ऐसा मेरे को लगा था कि बहुत बड़ा सा, लाइक एटलीस्ट इतना तो बड़ा आइसक्रीम मेरे पास आएगा ये प्रोडक्ट, लेकिन ये बहुत ही टाइनी सा आया है, एंड ये मेरे को 575 रुपीज का पड़ा है. यार ये क्यूट लुकिंग चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो अबाउट यू. तो ये है प्रिंसेस कलेक्शन, और ये रहा हमारा पिंक आइसक्रीम. ये बिल्कुल बारबी वाले प्रोडक्ट निकल रहे, आई एम नॉट इवन लाइंग. ये ट्रांसपेरेंट है, yes, जो इसके अंदर का प्रोडक्ट है दैट इज पिंक, इसलिए ये भी पिंक लग रहा है. वाह, इसका एप्लीकेटर कितना ज्यादा पिंक है. इट्स लाइक अ पिंक बारबी प्रिंसेस हेवन. ओके इट्स नथिंग, इट्स नथिंग. ये बिल्कुल भी लिप ग्लॉस जैसी फीलिंग नहीं दे रहा है, ये काफी ऐसे थिकी थिकी सा लग रहा है.
एंड ये सेटल नहीं हो पा रहा है मेरे लिप्स पे, लाइक लगाने के बाद इट्स जस्ट गोइंग एवरीवेयर. ऐसा लगा कि मैं कुछ खाऊंगी तो ये पूरा गायब हो जाएगा, मेरे अंदर ही चला जाएगा खाने के साथ. इट्स नॉट सेटलिंग ऑन माई लिप्स एट ऑल. इसकी खुशबू वैसे काफी सिट्रिसी और फ्रूटी टाइप है, तो हाँ ये किड्स अप्रोप्रिएट तो बिल्कुल ही है, वैसे ये एडल्ट अप्रोप्रिएट भी है. मेरे को काफी अच्छी फ्रेग्रेंस लगी इसकी. एक तो ये प्रोडक्ट बहुत छोटा है, ऊपर से जो इसके अंदर का प्रोडक्ट है वो और भी कम है. ये पूरा फिल्ड नहीं है कंटेनर, इसका भी थोड़ा कम है ये, तो इतना सा प्रोडक्ट मिला है हमें. हमारे पास है टाइनी लिटिल पीच, बट अगेन खाने वाला नहीं. ये कुछ इस तरीके से खुलेगा नीचे से. मेरे को ये बाहर से इतना प्रिटी लग रहा है, निकल जा. ये बहुत ही स्मूथ इन टेक्सचर बाहर से लग रहा है. एंड ये है एक लिप बाम, ये कुछ इस तरीके से खुलेगा. एंड ये रहा लिप बाम, ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, मेरे को इसे बिल्कुल खराब करने का मन नहीं कर रहा, इतना स्मूथ सा लग रहा है. इसकी खुशबू बिल्कुल पीच जैसी है, नो केमिकली स्मेल, नो नथिंग, बिल्कुल प्रॉपर पीच. जैसे पीच आइस टी भी तुम पियोगे ना, बिल्कुल वैसी वाली खुशबू आ रही है. बट ये मेरे को 895 रुपीज की पड़ी है. इतना छोटा सा प्रोडक्ट, आओ देखते हैं. मेरे को लग रहा है इसमें कुछ टिंट नहीं होगा क्योंकि ये खुद ही इतनी लाइट कलर की है. इट्स लाइक वैसलीन, ये इतना ही हाइड्रेटिंग वाला इफेक्ट देगा. बट हाँ खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है यार नोज में, बिल्कुल पीच. कोई मेरे को इतना यू नो वो नहीं लगा कि ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है. नॉर्मल बस मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर रहे हैं लिप्स, वो तुम वैसे भी कर सकते हो. बट या जस्ट फॉर द क्यूट फैक्टर 895 रुपीज. आज मेरे को सबसे सस्ती पड़ी है ये एक स्ट्रॉबेरी, वैसे ही 170 की पड़ी है. आई नो इतने पे तो हमें पूरा बंच मिल जाता है यार, बट ठीक है. इसके ऊपर हमें ऐसे लीफ दे रखा है पूरा, इसका लाइक प्रॉपर वैसा ही फील आ रहा है. इस पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स भी बने हुए हैं जो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी में होते हैं. अगेन ये पूरा प्लास्टिक है, आओ इसे खोलते हैं. ओह ये बिल्कुल फैंटा वाले की तरह निकली है, ऐसे लाइक राउंड ऐसे खोल के. वाओ, तो ये है स्ट्रॉबेरी लिप बाम स्ट्रॉबेरी कलर में. गर्ड की इन्होंने वही शेड वही कलर यूज करा है. ट्राई हार्ड करो ना तो कुछ पता चल रहा है कि अच्छा हाँ कुछ फ्रेग्रेंस होगी, बट स्ट्रॉबेरी छोड़ो कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं है इसमें ज्यादा. बट हाँ केमिकल वाली स्मेल भी नहीं आ रही है, तो दैट्स गुड. हाँ इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इट्स लाइक लिपस्टिक. अगेन इसमें भी कोई टिंट नहीं है. मैं थोड़ी सी सैड हो रही हूँ बिकॉज मेरे को ये है कि देखो, एक तो तुमने कलर दे रखा है तो तुम्हें हल्का सा टिंट देना चाहिए. सेकेंड बात कि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी इन टू कलर्स, आई शुड गेट दोज कलर्स, नॉट जस्ट बाहर का कलर पैकेजिंग जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. बट ठीक है, अगेन ये बस नॉर्मल हाइड्रेट कर रहा है मेरे लिप्स को. वैसे फन प्रोडक्ट है यार ये, फूड तो नहीं, बट मेरे को ये बहुत ही टाइनी लिटल गोस्ट दिखाता है, बिल्कुल स्नैपचैट वाला लग रहा है ये. एंड ये है एक ब्लैक हेड रिमूवर स्टिक, आई एम टू एक्साइटेड इसको खोलने के लिए. ये मेरे को 810 रुपए की पड़ी. एंड ये कुछ इस तरीके से है, लाइक चारकोल ग्रे कलर का इसके अंदर पे ऐसे निकला है. ये भी ऐसे लिप बाम वाला इफेक्ट दे रहा है ना, गलती मत करना, ये ब्लैक हेड रिमूवर स्टिक है. तो हल्की सी वेट नोज मैंने कर ली है एंड इसके ऊपर हमें इसे ऐसे रब करना है. ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है ना, बहुत प्यारी खुशबू है यार इसकी, ऐसे ग्रीन टी टाइप वाली खुशबू आ रही है इसमें. इसे रब करना है, ये बिल्कुल भी अपना ग्रे कलर नहीं छोड़ रहा है. एंड इसको आई गेस मसाज करना थोड़ी देर हमें. दिस स्क्रब स्टिक इज रियली अमेजिंग एंड वर्क्स वेल, आई वुड रिकमेंड दिस टू ऑल स्किन टाइप्स. अरे भाई साहब मजे ही आ गए फिर तो, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई. एक तो मेरे को मज़ा आ रहा है, एक तो इतनी क्यूट सी चीज़ है ना, स्किन केयर करने में और मज़ा आता है, उसे मोटिवेशन सी मिलती है. हम इसको ना रिमूव इट एंड लेट्स सी. वैसे इसको वार्म वाटर से यू नो क्लीन करना, मैंने हल्का सा वार्म वाटर इस पर ले लिया था. ओके ये अगेन मेरे को सॉफ्ट वाला यू नो और फील दे रहा है, जो हल्का फुल्का बम्पी बचा भी होगा ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है. हाउ आर दीज थिंग्स वर्किंग, इट्स गुड दे आर वर्किंग, बट हाउ. यार अभी तक तो तुम्हें थोड़ी बहुत भूख लग गई होगी फूड प्रोडक्ट्स देखते हुए, एंड हल्की सी मोटिवेशन भी मिली होगी स्किन केयर वगैरह करने की. तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था आज की वीडियो में से इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. एंड मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन से प्रोडक्ट तुमने करेक्ट गेस कर लिए थे मेरे बताने से पहले, मुझे सब बताओ इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.